अलैक्म, मेरा नाम फजल अल्लाह वाला है और आज मैं कि मनोरा के बीच पर आया हूँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई हुई है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें, हट्स वगैरह सब बहुत खूबसूरत है, मगर एक मसला है जो से ना डर लगना शुरू हो गया। वैसे तो मैंने इसके बड़े बोल बोले सबको ना, मगर जब यहाँ पे आया हूँ मैं मिट्टी की तरफ और बीच की तरफ, तो अभी बीच का पानी तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि लोग नहीं हैं, मगर अब डर लग रहा है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो पॉल्यूट हो रहा है, इसके साथ साथ मिट्टी के अंदर बेहद कचरा है ना, पता नहीं लोग यहाँ पे आके जो भी खा रहे हैं वो अपनी यादें छोड़ के आने साथ साथ। ठीक है कि भाई हम लोग आए थे और मुख्तलिफ बोतलें पड़ी हुई हैं, ढकने पड़े हुए हैं, वो चीज़ें ही पड़ी हुई हैं जो नहीं पड़ी होनी चाहिए थी। तो प्लीज़ मैं सबसे कहूँगा कि जब यहाँ पे आएँ तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करें कि या तो अपने साथ खाना ना लाएं, ठीक है, या फिर मिट्टी पे ना खाएं, या जो भी हो सफाई करके जाएं यार, क्योंकि आने वालों को बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है कचरा कुंडी बनना साइड पे ना। तो इससे पहले इसका सीव्यू का हाल हो, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा थोड़ा हम अगर मिलकर एफर्ट करेंगे ना तो बहुत बेहतरीन का काम हो जाएगा। वहाँ पर डस्टबिन लाइन से लगे हुए, ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, उठाना होगा, डालना होगा, और अगर मिलके करेंगे तभी ये मुमकिन है। ठीक है, होता ये है कि कुछ फैला के जाते हैं, फिर समेटने वाले तो हैं मगर वो कितना समेटेंगे, और इस तरह के पाइल्स बन जाते हैं, और जो इतनी खूबसूरत बीच बनी हुई है इस पर एफर्ट की हुई है वो सारी ज़ाया हो जाती है। यही सीवीओ के साथ हुआ है, ये हॉक्सबे के साथ हो रहा है और अब यहाँ पे मनोरा में। तो प्लीज़ इससे पहले ये चीज़ें और ख़राब हों और मसला हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ ना हमारी सेहत को अफेक्ट करेंगी, अब देख लें स्मॉग में अभी आ गए। ठीक है, तो इस तरह के अफेक्ट से आते हैं और जो एक कंट्री की इमेज होती है वो बुरी हो जाती है, तो थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी। बस एक छोटा सा मैसेज था, ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट रहा मैं मगर अगर मुमकिन हो थोड़ी सी कोशिश करें और कोशिश करें पूरे पाकिस्तान को साफ करें। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं भी अपनी कोशिश करूँगा कि पहले मैं खुद करूँ फिर दूसरों को कहूँ।